नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर 2 कर रहे थे और आज हमारी लास्ट क्लास है। और देखिए, और इसका पहला क्वेश्चन है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक पता करें यदि दो शून्यंक √5/3 और दूसरा −√5/3 है। देखो, हमारे पास x की पावर बड़ी कितनी है, 4 है। और देखो, अगर x की पावर 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 4 होगी, ठीक है। और उनमें उन चारों में से दो हमें दे रखी है, एक तो √5/3 है और एक −√5/3 है। तो हमें वो जो दो बाकी रहेगी वो भी निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो, हमें ये x की वैल्यू दे रखी है। देखो, ये हमें दे रखी है x, x बराबर √5/3, ठीक है। और दूसरी हमें दे रखी है x बराबर −√5/3, ठीक है भाई। अब इसको ना इधर ले आएंगे, x −√5/3 = 0। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का साइन है, इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बनेगा x प्लस √5/3 = 0। देखिए, यहां तक समझ आ गया। देखो, ये x की वैल्यू दे रखी है, तो x बराबर इतना और x बराबर इतना, तो ये इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। यहां पे माइनस का है पहले ही, तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो, अब क्या करना है, ये भी बराबर जीरो के, ये भी बराबर जीरो के। अगर हम देखो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर होना चाहिए। देखो कैसे, एक्स माइनस √5/3, इसको हम गुणा कर देते हैं एक्स प्लस √5/3 से, तो बराबर कितना होगा, 0 होगा। देखिए, अब हमें एक चीज पता है, अगर दो संख्याएं ऐसे हो a माइनस बी और a प्लस बी, अगर इन दोनों का हमने गुणा करना है। देखो, ये इस स्ट्रक्चर में है। अगर मान लेते हैं a की जगह x है और b की जगह √5/3 है, तो एक बार इसको देखो माइनस में है और एक बार ये प्लस में है, तो हमें ये पता है ये किसका फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 माइनस √5/2 का स्क्वेयर बराबर 0। उसके बाद देखो, स्क्वेयर है तो √ कैंसिल, ये √ कैंसिल, तो क्या बनेगा, x की पावर 2 माइनस −5/3 बनेगा अकेला, ठीक है। एक्स की पावर 2 माइनस −5/3, तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो ये बनेगा 3x की पावर 2 −5 = 0। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बनेगा 3x की पावर 2 −5 = 0, ठीक है। अब देखो, इन दोनों का हमने क्या किया, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है, एक तो प्लस में है और एक माइनस में है। हमने क्या किया, ये प्लस वाले इधर लेके आएंगे तो माइनस में, ये माइनस वाले इधर लेके आएंगे तो प्लस में। उसके बाद जो भी बना उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दिखा अब ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, एक तो एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में आ रहा है, तो हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये फॉर्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो मतलब हमने क्या किया, x की पावर 2 कर ली और √5/3 की पावर भी 2 कर ली। देखो, 2 पावर है और अंदर कितनी है, आधी, मतलब अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट को खत्म कर देगी स्क्वेयर, तो क्या बनेगा, x की पावर 2 −5/3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 एकम 3 और 3 यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, तो 3 एकम 3 एक्स स्क्वेयर, 1 5 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और नीचे आया 3। अगर यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 लगा के, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर तो इतना ही बन जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो हमारे पास इन दोनों की जो वैल्यू है इकट्ठी कितनी आई, 3x की पावर 2 −5। अगर दो, अब देखो पिछली वीडियो में हमने क्या किया, अगर ऐसा कुछ था, मतलब अगर ये फैक्टर है, अगर ये गुणनखंड है, इसको हम इससे भाग कर देते हैं तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए, तो 3x की पावर 4 प्लस, इधर मैं कर देता हूँ, 1 मिनट, तो हमारे पास क्या आया था, 3
एक्स की पावर 2 माइनस 5। तो इसको हमने भाग करना है किससे, जो हमें संख्या दे रखी है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो पावर 2 हमारे पास अंदर कितनी 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर कितनी बनानी है 4 बनानी है, तो एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए अंक तो 3 है और इधर भी 3 है, तो अंक से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा 3x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 2। ठीक है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 2 से, हमारे पास क्या बना 3x की पावर 4, और ये देखो स्केयर वाला है ना, तो ये स्केयर वाले के नीचे आएगा माइनस 5x स्केयर, उसके बाद माइनस, ये साइन चेंज, प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद बड़ी पावर नीचे आएगी, तो बड़ी पावर कौन सी है 6x की पावर 3, ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 कटाएंगे तो 3, वो भी प्लस का 3x स्क्वायर, और जो बच गया वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए पावर कितनी 3 और हमारे पास कितनी 2, तो हमें कितना बनानी पड़ेगा, एक एक एक्स से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, पावर 3 करनी है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो चलो ठीक है 3 हो गया, अभी यहाँ पे 6 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से 3 से करेंगे तो क्या होगा 6x की पावर 3 और साथ में 5 × 2 = 10x। ठीक है, तो हमने किया किससे 2x से, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना 6x की पावर 3 और माइनस 10x। ठीक है जी, उसके बाद माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल, ठीक है, देखिए ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5, अब देखिए ये सेम ही आ गया, दोनों को सेम ही है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक से, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 0। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अभी आगे होगा ये, आगे देखो आगे करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आया x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, अभी हमें x की वैल्यू चाहिए 2 और, तो बराबर 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 हमने सीखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद ये साइन किसका प्लस का, और यहाँ पर अंक कितना 2। देखिए अब ऐसा अंक जिनका गुणा करें तो 1 आ जाए, अगर जोड़ दें तो कितना आए 2, तो 1 और 1, ठीक है, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, अगर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2x दे रखा है हमें उसको हम लिखेंगे 1x और 1x, दो बार लिखेंगे ऐसे जोड़ के, प्लस 1 = 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या आएगा x आएगा, तो यहाँ पे पावर 2 है तो 1 बच गया बाहर, यहाँ पे देखो x तो बाहर आ गया, बचा कितना 1 बचा, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा और बचेगा कितना x + 1। तो इसको अलग से देखो, इन दोनों ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का एक फैक्टर, अब ये x + 1 = 0, अब इसको अलग से 0 के बराबर लिखना है और इसको अलग से 0 के बराबर लिखना है, तो ये इधर जाके किसका होगा माइनस का, और ये भी इधर जाके किसका होगा माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल हमारे पास दे रखा है x - 2 और शेषफल हमें दे रखा है -2x + 4 है, तो gx की वैल्यू पता करें। तो इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो मैं मान लेता हूँ भाज्य क्या है px है, और जो भाजक है वो gx है, और भागफल क्या है gx है, सॉरी qx है, और शेषफल क्या है rx। तो हमें gx की वैल्यू निकालनी है। पहले ये फॉर्म आप ये फॉर्मेट याद रखना, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो जो हमें दे रखा है वो px है, हम जो अंदर होता है, और जिसको भाग कर रहे हैं वो gx है, और जो वैल्यू आ रही है वो qx है, और जो बाकी बच गया वो क्या है rx है। तो आपको याद रखना है, जो अंदर है वो px है, जिससे भाग कर रहे हैं वो gx है,
और जो ऊपर आंसर आता होता है वो क्यू एक्स है और जो बाकी है वो कितना है आर एक्स है। ठीक है, तो देखिए पी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर 3 - 3 एक्स की पावर 2 + x + 2 और जी एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है और क्यू एक्स हमें दे रखा है, क्यू एक्स मीन्स भागफल, भागफल कितना है x - 2 और शेषफल कितना है, शेषफल है -2x + 4। तो देखिए ये साइन माइनस का और प्लस का है तो ये तो इधर आके क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये गुणा का है तो इधर ही रखना है। एक बार इसको क्या करना है x³ - 3 x² + x + 2 ये साइन इधर आके प्लस का और ये प्लस वाला माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा जी एक्स गुणा x - 2। ठीक है, तो क्या होगा x³ - 3 x² देखिए ये 1x और 2x मिलके कितना बना 3x, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बराबर क्या आएगा जी एक्स गुणा x - 2। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बराबर x³ - 3 x² + 3x - 2 / x - 2। ठीक है, समझा गया, दोबारा समझा देता हूँ, भाज्य बराबर ये फॉर्मूला याद रखना पहले, भाज्य बराबर भाज्य का गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य हमने माना पी एक्स, भाज्यक जी एक्स, भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स। पी एक्स की वैल्यू ऊपर दे रखी है वो हमने लिखी, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है वो तो ऐसा कैसे रहेगा, क्यू एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है x - 2 और आर एक्स की वैल्यू है -2x + 4, तो ये साइन देखो चेंज होगा ना इधर आके, इधर ले आएंगे इसको ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद x³ आ गई, 3x² आ गई, ये 1x + 2x भी + तो मिलके 3x हो गया, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस होगा और साइन बड़ी रकम का -2 तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो जी एक्स की वैल्यू आ गई x³ - 3 x² + 3x - 2 / x - 2। तो अब हमें चाहिए जी एक्स की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, तो हम इसको ना भाग करेंगे देखो कैसे, x³ - 3 x² + 3x - 2 इसको भाग करना है x - 2 से। ठीक है, ठीक है, चलो x² कितनी चाहिए 3 चाहिए और हमारे पास कितनी है 1 ही है, तो हमें 3 बनाने के लिए कितना x² और चाहिए, तो x³ बनानी है, x³ है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - 2x² 2। ठीक है, तो x³ बना ली, मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, x³ 2 से x³ 3 उसके बाद -2x² 2। ठीक है जी, साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा पर साइन देखो बड़ी रकम का, क्यों बड़ा 3 है ना इसमें, तो -1x² 2 + 3x - 2। ठीक है, अभी देखो x² कितनी चाहिए 2, हमारे पास 1 है तो x - 2 इसको किससे गुणा करें x² बने तो x से करें, पर साइन कौन सा चाहिए माइनस का चाहिए ना, तो -x से, तो ये होगा -x² - - + 2x। ठीक है जी, तो किससे किया -x से, तो ये बना -x² + 2x, तो क्या होगा उसके बाद ये प्लस का होगा ये माइनस का क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट गया तो 3 में से 2 घटाया तो x - 2 बच गया, देखो सेम ही है तो 1 से गुणा करना पड़ेगा तो x - 2, तो यहाँ पे माइनस का ये प्लस का तो ये तो कैंसिल हो गया दोनों ही, तो बचा कितना 0। तो इस प्रकार से जो जी एक्स की वैल्यू है तो जी एक्स की वैल्यू कितनी आई x² - -x + 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका अपना, तो उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा और ये एक्सरसाइज 2.3 भी सारी समझ आ गई होगी।